लद्दा सर से राजेश शर्मा लिखते हैं, बाबा जी संत को किसका खतरा होता है जिससे उसे इतने कमांडर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संत का कोई दुश्मन नहीं होता और कोई मित्र नहीं होता, इसके बावजूद इतने सुरक्षा कर्मियों की क्यों जरूरत पड़ती है? जी, तो आप के सवाल का सब लोग ध्यान से सुने, क्योंकि हमें हर जगह ये सवाल पूछा जाता है। पहली बात, अगर हमें डर होता तो आपके बीच में आके यूं ना बैठ जाते, शरेआम बैठे हैं, कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं बनाई, ऐसा कुछ ऐसा रखा नहीं है, कोई शीशा नहीं लगाया, आपके बीच में बैठे हैं, बीच में सत्संग कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि संतों का कोई दुश्मन नहीं, हम भी कहते हैं हमारी तो सबसे दोस्ती है, किसी से बैर नहीं, पर जिनका अरबों खरबों का नशा बिकना हमने बंद करवा दिया, 5 करोड़ लोगों को हमने गुरुमंत्र दिया, इसका मतलब 5 करोड़ लोग शराब छोड़ गए, अफीम छोड़ गए, नशा छोड़ गए। हमारे पास लिख के आता रहा, गुरुजी आप ये गलत कर रहे हो, हमारी दुकानों में खरबों का घाटा पड़ गया, आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारे पे आरडीएक्स 2 किलो का अटैक हुआ, गाड़ी उड़ गई ऊपर, लेकिन हम तो दूसरी गाड़ी में थे, जो उस गाड़ी में थे उनके भी खरौंच नहीं आई, भगवान ने ऐसी कृपा की। तो देश के राजा महाराजाओं ने सोचा कि गुरुजी जगह जगह जाके लोगों की बुराइयां छुड़ा रहे हैं, उन पे अटैक, सिर्फ यही अटैक नहीं, तरह तरह के केसेस डालेंगे, जो बुराइयां हम छोड़ते हैं लोगों की छुड़वाते हैं, वही हम पे अटैक किया गया जगह 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 जगह। तो इसलिए उन्होंने इनको भेजा, आपको लगता है कि पुलिस है या ऐसा काम, और हमें यह भी लगता है ये इंसान भी है, सारा दिन चोर पकड़ ले, ठग पकड़ ले, धोखेधड़ी वाले को, भ्रष्टाचार वाले को कूट ले, मार ले, ये कर ले, इनको भी तो जरूरी है कि ये भी राम का नाम सुने, हो सकता भगवान ने बहाना बनाया हो कि ये भी राम नाम लेके तर जाए, ये भी तो हो सकता है। यहां तक आप कहते सेना की क्या जरूरत, हम तो आपके एक छोटे से फकीर हैं, छोटे से भगत हैं, हमारे भगवान श्री राम जी श्री कृष्ण जी हुए, और श्री कृष्ण जी के पास नारायणी सेना थी, जो आज आर्मी सेना का कमांडर है उससे भी बड़ी, एक आदमी इतना पावरफुल होता था और बहुत बड़ी सेना थी। अगर भगवान हो के वो इतनी बड़ी सेना रख सकते हैं तो फकीर के साथ थोड़े से लोग आ गए, आपको क्यों दुखी लग रहा है भाई, हम तो फकीर हैं, हम तो कुछ नहीं कहते किसी को, और ये भी कुछ नहीं कहते खड़े हुए हैं कि कोई बुरा आंसर गलत आंसर राम नाम से रोकेगा। पहले भी तो राक्षसों को रोकने के लिए राजा महाराजा भेज देते थे सेना, आज भेज दी तो क्या हो गया, आज भी राक्षस प्रवृत्ति बहुत है। तो यही इसका जवाब था जी।